बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ तुहाडा होस्ट काजी मोहम्मद रशीद, ते तुसां देखदे पए हो वॉइस ऑफ कुटदू। जिवें तुहानू पता है, असां डेली मुख्तलिफ शख्सियात दा तारफ, उन्हां दी परसनैलिटी, उन्हां दा टैलेंट तुहाडे तक खिंच के आंदे पैसे। और अज इह सारी प्रोग्राम दा हिस्सा हन, सारी जनूबी पंजाब बैल्ट दा एक मशहूर सारे गुलकार हैं, चौक मुंडे दे मैं नाज शौके फनकार, लेकिन शौके तो ना हूँ ये समझो इंटरनेशनल लैवल तक पहुँच चुके हैं, शौके गाँवते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद इन्हें ई फील्ड को छोड़ दिता है, वल ई फील्ड को दोबारा ज्वाइन किए ने। मेरी मुराद मलिक असलम असर साहब जे सारे अज के मेहमान हैं, उन्होंने तारफ मेहरी जबानी करवेसूँ, तो उन्होंने लाइफ के हवाले गाल करेसूँ, उन्होंने जो मशहूर मशहूर गीत हैं अज पाकू अस उन्हें जबानी सुनवाद। इस्लाम वालेकुम। असलम सिंह, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक सुनाओ। अलहमदल, बड़े लंबे अरसे बाद ना दोबारा स्क्रीन पर मंजर आम ते आते पे। इन पहले तो सारे नाजरीन को इनकी वजह क्योंकि नाजरीन काफी तुहाडे चाहण नाल नाराज ही हो सन, ते क्यों गायब थे वे, उन्हां दी चाहत दा आखिर तो कौन जवाब देना पोसी? हाँ बिल्कुल सही, इहदे विच कोई शक नहीं है। बेसिकली तो मैं छोटे मोटे बिजनेस करेंदा अलहमदुलिल्लाह, ते इह मेरा बचपन तो एक शौक है गावण दा। वल मैं 2001 दो कोल प्रॉपर अपना उस्ताद अपने रखे, ते 2012 तक मैं इन फील्ड रह गया। कोई फैमिली दे मसाइल भी हैं, फैमिली जड़ी है मेरे वो जरा अच्छा नहीं समझेंदे कि भाई तू ये काम कर, ते वाला कोई बिजनेस मसरूफियात भी हैं। 2012 दे विच यानी फरवरी 2012 च मैं ये वाइंड अप कर दिता है काम, ते ऑफ द रिकॉर्ड तो मैं करंदा रह गया, मतलब जिवें होंदे हौले हौले थोड़ा बहुत लगा रह गया। 8 साल बाद दोबारा मैं वाली एंट्री की है फरवरी 2020 दे विच, हूँ तकरीबन साल तो दोते थी गंडू महीने, ते दोस्तों ने मुहब्बत हैं, उन्होंने बड़ा वाला काफ़ी मुद्दत बाद आया जड़े पहले, तो दोस्तों ने अपना सुनने वाले ने बहुत मुहब्बत दी, ते उन्होंने जो मुहब्बत वाला असा अपना काम शुरू कर दिते। शौक भी हाँ, दोस्तों का मुहब्बत भी हैं, कोई दोस्त करीबी जरा इसरार कर देना कि यार तू जरा ना तेरे टैलेंट है, तू अपना टैलेंट जरा ना शो कर, तो ही वास्ते वाला असं दोबारा आ गए। अच्छा, ये दसो तुहाडे उस्ताद मोहतरम कौन है? जी मेरे उस्ताद हैं सी उस्ताद आशिक अली खान साहब हैं, खानपुर बगा शेर तो। जी हाँ, और मीर आलम फैमिली नालों दा ताल्लुक है, बहुत अच्छे खान साहब बंदे हैं, सुरीले आदमी हैं, बस असा उन्हें कोल सीखते रह गए हैं पहले भी हुण भी। कितने एल्बम हुण तक कर चुके हुए, कितने गाने कर चुके हुए, और केड़े केड़े शहरों को तुसा ज़्यादा पसंद करे? मैं असल दे विच तां अपना मेरे तकरीबन कोई 4-5 कैसेट्स आए हैं, पहले जो कैसेट का दौर होंदा ही आडियो कैसेट का, वल जड़े वेले शुरू अपना सीडी का दौर है, उमले मैं छोड़ चुका हूँ काम, ते हुण भी मैं तकरीबन कोई 40 गाने कराए हैं कट्ठे, जिंदे विचों कोई 20-25 आ गए हैं, 15-16 बे हैं बे जड़े फरदन फरदन आसन। परसों भी एक गाना मैं डावणे 13 तारीख को तुहाडे इलाके दे शायर इम्तियाज मुनीर साहब उन्हां दा कयामत हैं डोला तेरियां सोहणियां सोहणियां आखियां, ते दूजा जिहड़े शोरा कराम अच्छे जिहड़े शोरा मतलब हैं साडे बैल्ट दे सरैकी बैल्ट दे खास तौर दे, जिवें अपना मरहूम उस्ताद मुस्तफा मस्तू साहिबां नूं मैं शायरी भी थोड़ी बहुत करांदा, मेरी उन्हां दे कोई शगीदी है, ओह अल्लाह ताला उन्हें करी करहमत करे, फौत थी गए उन्हें पास सारी कोटा तो इम्तियाज मुनीर साहब हैं, नाल अपना सैयद सफदर नसीम शाह साहब हैं, उन्होंने अलावा अफजल आजिद साहब, या मतलब मेन शोरा कराम जीवन शौका जीवन साहब का एक मैं सौंग आखिए वो भी आंदा पे, मैं सुलझाया कलाम गावन की कोशिश करें ना, सुलझे लोगों का सुलझाया कलाम, ते गुलाम मोहम्मद दर्द साहब का मैं गाना आखिया थोड़ा जनी पहले, बहुत बड़ा ना है साढ़े बेल्ट का दर्द साहब का, उन्होंने गाना मैं आखिया कल आवना जो हाइया वत आया क्यों नहीं, मतलब अच्छे शोरा को मैं कोशिश करें ना, उमें तो सारे जितने भी शोरा करा मैं सारी माँ बोली जी सरैकी को प्रमोट करने वास्ते जो कुछ करें दे सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन हर बंदे का मिजाज होंगे, मेरे मिजाज को जी शायद अच्छी लगती है, मैं वो गाना चाहे छोटा शायर हो या बड़ा हो चीज़ अच्छी हो जी जिंद जिंद मतलब साफ सुथरी शायरी हो पक्की शायरी हो। जी नाजरीन, आवाज़ तो तुसा असलम भाई की सुनी हुई, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खूबसूरत आवाज़ है, क्योंकि ये जी आवाज़ होंगी ये गॉड गिफ्टेड शह है, अल्लाह तला का एक अत्याय बहुत वाडा, और अल्लाह तला कहीं कहीं को यह नसीब करेंगे खूबसूरत आवाज़, और वल को जिन्हों को ये आवाज़ पहुँचती है उन्हों का फर्ज बढ़ता है कि आवाम तक लोगों तक ये सदका समझ के उन्हें तक पहुँचावे,
माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्राइज सर अंजाम देने पैन, लेकिन अज अस इन्हों को रिक्वेस्ट न करे सू बल्कि जुर्माने के तौर पर पहला गाना अस इन्हों को सुन सू क्योंकि सारे ही फील्ड को हट गया। तो अपना फेवरेट गाना तो जरा टॉप का गाना तो मशहूर तरीन सब तो पहले सारे नाजरीन को सुन सू जी असि मेरा सब तो अच्छा जरा मशहूर थे गाना पैसे मुक दे गए यार रुस दे गए जी हकीकत है रियलिटी है जी और माशाल्लाह बहुत चलता पे सॉन्ग दोस्तों ने बहुत एप्रीशिएट किए दोस्तों की मुहब्बत का बेहद मशहूर हाँ तारी मेहरबानी टाइम दिते हुए जी नाजरीन पैसे मुक दे गए तो यार रुस दे गए शायरी की असल भाई इन शायरी का हक अदा कर दिता।